श्रीलंका में फूड वेंडर राजपक्षे सरकार पर चीन को सब कुछ बेच देने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ईंधन और रसोई गैस जैसे जरूरी सामान की किल्लत हो गई है और राजनीतिक संकट भी गहरा गया है। इस संकट के बीच वहां फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। एक फल विक्रेता फारूक ने बताया कि 3-4 महीनों में सेब के दाम दोगुने हो गए हैं। इसके आगे उन्होंने कहा, श्रीलंकाई सरकार ने चीन को सब कुछ बेच दिया और यही सबसे बड़ी समस्या है। श्रीलंका के पास मनी नहीं है क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया है। श्रीलंका दूसरे देशों से उधारी पर सब खरीद रहा है। एक अन्य फूड वेंडर राजा के मुताबिक कोई व्यवसाय नहीं बचा है। सत्ता में गोटबाया राजपक्षे के होने का कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई श्रीलंका चीन के कर्ज की वजह से तबाह हुआ है। के लिए आपको श्रीलंका पर कर्ज के कुछ आंकड़े बताते हैं। CNBC टीवी 18 की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका पर बड़ा विदेशी कर्ज है जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिया। इस देश ने 2021 में $35 बिलियन का विदेशी कर्ज लिया। श्रीलंका के लिए उधारी की सबसे बड़ी राशि इंटरनेशनल सोवरन बॉन्ड के रूप में है। रियायती कर्ज के रूप में श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% हिस्सा चीन से है। हालांकि चीनी स्टेट बैंकों के जरिए अतिरिक्त कमर्शियल लोन भी श्रीलंका ने लिए हैं। अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते श्रीलंका को लोन रीपेमेंट प्रोसेस के तहत 99 सालों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण भी चीन को सौंपना पड़ा। इस देश को चीनी कर्ज के जाल वाले नैरेटिव के एक प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल चीन को लेकर कहा जा रहा है कि वो विकासशील देशों को चीनी कर्ज का इस्तेमाल कर बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण में धकेल रहा है। पाकिस्तान को भी चीन के इस जाल का शिकार बताया जा रहा है।